नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं गढ़वा शहर के नवादा मोड़ स्थित एमजे हॉस्पिटल में। आज हमारे बीच जो मेहमान हैं वो धनबाद के चर्चित यानी जाने माने नस विशेषज्ञ डॉक्टर बैदश्री डागा जी। तो आइए हम सबसे पहले उनसे अपने बारे में परिचय जाने, इसके बाद हम इनसे बातचीत जारी रखेंगे। सर, स्वागत है आपका गीतांश टीवी में। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ गीतांश टीवी को। मैं धनबाद गढ़वा जिला में नवादा मोड़ एमजी में हॉस्पिटल में प्राकृतिक चिकित्सा दे रहा हूँ। या चिकित्सा का किताब में कोई पढ़ाई नहीं है और ना ही इसकी कोई डिग्री है, लेकिन मैं स्वयं आज से 1998 में और 1984 को में मेरे को कमर दर्द और गर्दन दर्द हुआ, जो 1998 तक मैंने झेला, समर्पित सभी डॉक्टरों को दिखाया, यहाँ तक कि मैं एम्स तक भी गया। और इस बीच में जितने भी डॉक्टरों के पास गया, सभी डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के बारे में बोला, ऑपरेशन का खर्च बताया, और मैंने सभी डॉक्टर से गारंटी मांगा तो सभी डॉक्टर ने यही शब्द बोला, गारंटी नहीं है, ईश्वर के हाथ में है, आप ठीक होंगे कि नहीं होंगे, ऑपरेशन कराना है कराइए, नहीं तो मत कराइए। तो मैंने ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया और 14 वर्षों तक डॉक्टर के शरण में गया, खाया पिया, दवा खाया, सब कुछ, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं। 14 वर्ष की उम्र में मेरा 55 किलो वेट था, 1998 में मेरा जब मैं 28 वर्ष का हो गया तो मेरा वेट 25 किलो हो गया। एक मेरा दोस्त साथ में पढ़ता था, वो बिछड़ गया था, चला गया था बाहर पढ़ने, वो 1998 में हमसे मिलने आया तो हमको बेड में देखा कि हमको उठने में करीब आधा पौन घंटा लगा। फिर उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा इलाज इंडिया में कहीं नहीं है, एक ही व्यक्ति तुमको ठीक कर सकता है, वो बिहार शरीफ नवादा जिला का रजौली मूर्तिया में परमेश्वर ठाकुर जो है वो नस के बहुत ही प्रांगंत है, अगर वो तुमको मिल गए तो तुमको ठीक कर देंगे। तो फिर मैंने उनको, एक महीना लगा उनको मुझे ढूंढने में, क्योंकि अक्सर कोई ना कोई उनको ले कर चला जाता था, मेरे को मिले, फिर उनको लाया गया, मेरा छोटा भाई जाके ले कर आया, वो हमको देखे तो बोले बेटा हम ठीक कर देंगे, समय की गारंटी नहीं, ठीक करने की गारंटी है। तो हम बोले कैसे होगा बाबा, तो बोले हम तो बिहार शरीफ रहते हैं, हम आप बिहार शरीफ में, हम धनबाद में, तो बोले यही तो सोच रहा। हम बोले बाबा आप जितना बिहार शरीफ में कमाते हैं हम क्या देंगे, इसका आपको मैंने विवरण नहीं होगा कि हम क्या देंगे, आप हमको ठीक कीजिए और आप मेरे घर में रहिए, और हम आपको पिता समान अगर नहीं रखे तो आप दूसरे दिन चले जाइएगा। तो मैंने उनका हर चीज़ जो था समझ बूझ लिया और उनका हर चीज़ को मैंने हर रोज़ का उनका दिनचर्या का सब कुछ हम सेवा करने लगे। उन्होंने 2 टाइम ट्रीटमेंट करके 6 महीने में उन्होंने हमको ठीक कर दिया। 6 महीने के बाद और कोई दवा नहीं, दर्द नस खींचते थे बहुत दर्द होता था, इतना दर्द होता था कि मत पूछिए, लेकिन उस दर्द को हमने सहा, मेरे मित्र ने बताया था कि दर्द सह लेना तो गारंटी हम 110% देते हैं कि वो व्यक्ति तुमको परमेश्वर ठाकुर ठीक कर देगा, दर्द अगर जरा सा भी नहीं सहा तो नहीं ठीक होगा। तो हमने उनके मित्र की वाणी को याद रखा और गुरु परमेश्वर ठाकुर से हमने इलाज लिया। 6 महीना में 2 टाइम सुबह शाम वो हमको ट्रीटमेंट करते थे, 6 महीने में मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मैं 6 महीने में उनका एक एक अदा को, किस तरह वो नस को घींच रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, मैं अपने मेमोरी में लॉक करते गया। जिस दिन उन्होंने बोला बेटा तुम अब ठीक हो गया, तो हम बोले बाबा ये उपचार हमको सिखा दीजिए, जब हम इतना ग्रसित 14 साल झेले हैं, कोई MBBS या फारसी लंदन का डिग्री लेके डॉक्टर बैठा नहीं ठीक कर पाया है, लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हैं, शुद्ध हिंदी नहीं बोलने जाते, लेकिन आप बाहर से शरीर के अंदर का, मानव शरीर के अंदर के किस वेन को खींचना है तो कैसे ठीक होगा, ये आप प्रांगंत हैं, इसलिए आप हमको अपना चेला बना दीजिए। वो 15 वर्ष की उम्र से ये उपचार कर रहे हैं, आज तक उनको कोई मान सम्मान, बहुत लोगों को ठीक किया, कोई कुछ नहीं दिया उनको, बस जो होता है दिया। हम मैं आज भी उनको रॉयल्टी दे रहा हूँ और आज भी मैं उनका सम्मान करता हूँ, आज भी वो जीवित हैं। तो उन्होंने हमको ठीक किया, फिर हमने उनसे ये विद्या का ग्रहण हासिल किया, 1998 में हमने ये उपचार प्राकृतिक चिकित्सा को सीखा और तब से हम लगे हुए हैं। और हमारा एक ही लक्ष्य है कि कोई संस्था मिल जाए, पापी पेट का सवाल है, घर चलाना है, इसलिए कोई कुछ दे ताकि हम सेवा करते रहें और जन कल्याण करते रहे, मेरा यही एक लक्ष्य है। और 1998 से लगे लगे फिर 2003 से हम बाबा नगरी में कांवड़ियों का सेवा करते हैं, दूसरे कैंप में सेवा देते थे, 2007 से मैं खुद अपना कैंप, मैं अपने पिताजी के नाम से और स्वर्गीय इंदिरा गांधी के नाम से कैंप लगाता हूँ, स्वर्गीय इंदिरा गांधी और स्वर्गीय कन्हैया लाल मोड़, हरकट्टा मोड़,
जिला बांका, वहाँ पे मैं कैंप लगाता हूँ। वहाँ बम लोग के लिए निःशुल्क शरबत, नींबू शरबत, लाल चाय, गर्म पानी, मेन प्राकृतिक चिकित्सा मैं स्वयं अपने हाथों से करता हूँ, जिसके लिए मेरे पास काफ़ी भीड़ लगा रहता है मेरे कैंप में। और भी लोग कैंप वाले, किसी को तकलीफ होता है वो अपने गाड़ी से मेरे कैंप में पहुँचा देते, जानते कि वहीं ठीक होगा। मैं सेवा करूँ उसी जगह बाबा नगरी से सेवा करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। हर महीना तिवारी मराठिया में सर्वेसी समूह का आश्रम है, उसमें 5 तारीख को हर महीना मैं सेवा एक दिन का देता हूँ। फिर ये अमित जी हैं, अमित कुमार गुप्ता, माँ गायत्री गारमेंट्स है मेन रोड गढ़वा में, वो बहुत ग्रसित थे कमर से, तो वो बहुत जगह दिखाते हुए डेयरी ऑनसन डॉक्टर बद्री विशाल लाए के पास गए, तो उनको वो दिखाए, तो वो 2 महीना उनका ट्रीटमेंट किया, जब नहीं फायदा हुआ तो वो डॉक्टर बद्री विशाल राय ने अमित कुमार गुप्ता को कहा कि अब आप धनबाद जाइए डॉक्टर डागा के पास, वहीं आपका समाधान है। तो हमको उन्होंने फ़ोन लगाया कि सर आपसे मिलना है, तो हम गढ़वा से आना चाहते हैं। तो हमने बोला कि सर हमारा तो डेंटल कॉलेज फरटिया में मेरा प्रोग्राम है, सो आप उस वहीं आ जाइए, 1 जनवरी को मेरा प्रोग्राम है 3 दिन का, वहीं आ जाइए। तो उन्होंने वहाँ डेंटल कॉलेज में आए और हमसे ट्रीटमेंट लिए। 1 दिन के ट्रीटमेंट में उनको बहुत बेनिफिट मिला। फिर तिवारी मराठिया में हर 5 तारीख को आए, कंटिन्यू उनका हर महीना ट्रीटमेंट लिया। वो अपने ट्रीटमेंट से खुश होकर MG हॉस्पिटल में उन्होंने ये प्रोग्राम रखा है, और ये निःशुल्क प्रोग्राम रखे हैं कि गरीबों का और भी लोग जो डॉक्टर से ग्रसित हैं नहीं ठीक हो पा रहे हैं वो ठीक हो रहे। तो मैं इसी तरह प्राकृतिक चिकित्सा दे रहा हूँ, और आज मैं 21 वर्ष से ठीक हूँ। इसमें थोड़ा सा परहेज करना पड़ता है, और जो परहेज करेगा वो 100% ठीक होगा। मेरा कहना है डॉक्टर साहब कि किस उम्र के लोगों को कितने दिनों के अंदर मतलब राहत मिल जाती है, और कौन कौन सी वो गांठ है जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम महसूस होता है लोगों को? कमर में ज़्यादा कष्ट होता है, जिसको डॉक्टर साइटिका बोलते हैं, गर्दन में जिसको डॉक्टर सर्वाइकल कहते हैं गर्दन में, और सबसे ज़्यादा घुटना में प्रॉब्लम होता है। घुटने का ना ही लिंगामेंट खत्म होता है, ना ही हड्डी घिसता, हड्डी कमज़ोर होता है। अगर 6 महीने तक का दर्द है वो मेरे पास आएंगे तो हम तुरंत मैक्सिमम 15 दिन में उनको ठीक कर दूंगा, और गांठ लग गया तो टाइम लगेगा, लेकिन ताज़ा जिसको गांठ नहीं लगा तो 1 से 2 दिन करेंगे तो आपको 50% का आराम मिलेगा। लेकिन ट्रीटमेंट में दर्द होता है, जो दर्द बर्दाश्त करेगा वही ठीक होगा। डॉक्टर साहब आप इतने दिनों से जो है आप निःशुल्क जो है चिकित्सा दे रहे हैं, लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं, आखिर अभी तक आप लोगों ने कितने लोगों तक को ठीक किया है? अभी अगर बाबा नगरी में जाते हैं तो करीब मैंने लाखों लोगों को ठीक कर चुके हैं, 2003 से सेवा दे रहे हैं, और आपके गढ़वा में 6 महीना से मेरा ये ट्रीटमेंट चल रहा है, तो 1500 आदमी को फायदा दे चुके हैं। इसमें खाने पीने का भी परहेज रहता है क्या? खाने पीने का परहेज है, इस रोग जिसको ज्वाइंट पेन हो गया, नस से संबंधित जो भी बीमारी हो गया, अगर वो लोग ठीक रहना चाहते हैं, निरोग रहना चाहते हैं, उनको भोरे 6 बजे भोजन करना होगा, क्योंकि उस समय सूर्य की प्रकाश शरीर को ऊर्जा देता है। उस समय अगर आप खाएंगे तो शरीर के अंदर जो बैटरा होता है वो चार्ज होता है, और फिर 8-9 बजे खाएंगे तो वो खाली खाना खाएंगे, आपको शरीर में नहीं लगेगा। तो जोड़ों का दर्द जिसको हो गया उसको सुबह कभी खाली पेट पानी नहीं पीना चाहिए, चाय का सेवन बिल्कुल नहीं, दूध हॉर्लिक्स फल जूस का सेवन एकदम नहीं लेना है, दूध का बना हुआ खीर सेवई राबड़ी मिल्के कलाकंद, जिसको शुगर है वो नहीं खाएगा, जिसको शुगर नहीं है वो खा सकता है, पनीर का सब्जी खा सकता है, लेकिन दूध रोटी नहीं, दूध नहीं पीना और छेना नहीं खाना, रसगुल्ला खा सकता है, और खाने के 1 घंटा बाद पानी पीना, पानी कम से कम 2 लीटर पीना दिन भर में, एक आम आदमी को जीने के लिए 6 लीटर पानी मैक्सिमम पीना, तो वो निरोग रहेगा। स्वस्थ रहने के लिए कम से कम एक आदमी को 8 से 10 लीटर पानी पीना चाहिए, लेकिन लोग पानी इसलिए नहीं पीते हैं कि बार बार पेशाब करना होगा, लाइटिंग 2 से 3 बार जाना पड़ेगा, इसलिए लोग कम खाते हैं और कम पानी पीते हैं। मेरा मानना है डॉक्टर साहब कि वृद्ध अवस्था में ज़्यादातर लोगों को घुटने में दर्द हो जाता है, कमर में दर्द हो जाता है, जिससे कि लोग चल नहीं पाते हैं, कुछ लोग लाठी के सहारे चलते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अभी सर अभी जो माहौल चल रहा है उसमें वृद्ध के अभी आपको 10 वर्ष लड़का के 10 वर्ष की उम्र के बच्चे को कमर दर्द, घुटना दर्द
और बूढ़े को तो होगा ही क्योंकि खाद्य पदार्थ का भोजन अभी सब कर रहे हैं, इसलिए इंसान को 32 दांत दिया कुदरत ने, एक कोर को कम से कम 32 बार चबाना चाहिए तब खाना चाहिए, और अगर एक इंसान एक कोर को 96 बार चबाएगा तो जितना ग्लाइन और जितना लार गिरेगा उसी से होमोग्लोबिन, आयरन, कैल्शियम सब कुछ मिलेगा। डॉक्टर का कैल्शियम की गोली नहीं खाना पड़ेगा, आयरन का दवा नहीं खाना पड़ेगा, इससे कभी ज्वाइंट पेन नहीं होगा। और रात में कभी भी जिसको ज्वाइंट पेन हो गया, रात में कभी पंखा के नीचे नहीं सोना चाहिए, एसी कूलर का हवा नहीं लेना चाहिए, पंखा से हट के सोना है और साइड में सोना है ताकि रात में पंखा, दिन में हवा पंखा खाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रात में सोने समय पंखा का हवा नहीं लेना चाहिए। पंखा का हवा लेके सोया तो सुबह ज्वाइंट पेन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। खासकर यंग जनरेशन में भी देखा जाता है कि देखने में बॉडी बहुत अच्छी लगती है, हेल्थी भी लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके अंदर दर्द जो है, कमर दर्द, घुटने का दर्द, सर दर्द, पेट दर्द, या अनेकों तरह के दर्द लोगों को परेशान कर रखा है। आखिर दर्द की पहचान कैसे हो कि ये नस के द्वारा दर्द है, नस प्रॉब्लम है कहीं, या फिर किसी और तरीके से दर्द है? ये नस का ही प्रॉब्लम होता है, हड्डी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। नस में ब्लड संचार नहीं चलेगा, ब्लड में प्लाज्मा होता है, अगर वो प्लाज्मा ब्लड चलना बंद हो जाए तो प्लाज्मा, जिसको हम लोग हिंदी में पानी कहते हैं, खून का पानी, वो पानी रेसेगा तो शरीर में झुनझुनी आएगा, जलन आएगा, लहर होगा काफ़ी, और उठने बैठने में बहुत दर्द होगा। तो ब्लड नहीं चलेगा तो ये प्रॉब्लम होगा, और इसके लिए इंसान को चबाकर खाना खाना चाहिए, खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए, और खाना के एक घंटा बाद पानी पीना चाहिए, और जिसको शुगर नहीं है वो खाने के बाद मीठा ज़रूर खाए, तो काजू किशमिश का ताकत वो मीठा देगा, एक रसगुल्ला या एक चुटकी चीनी, वो काजू किशमिश जितना खाए उसका ताकत वो चीनी देगा खाली खाने के बाद। और डॉक्टर साहब, जो खाने पीने की तो बात हो गई, इसमें जो है अभी तक गढ़वा में जो आप लोग जो देखे, जिन पेशेंट को आप देख रहे हैं, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, उसके विषय में हमें जानकारी बताइए। सभी, अगर मैं फायदा नहीं होता तो आज हम जो हर महीना आ रहे हैं, आज यहाँ मैं MG हॉस्पिटल पहुँचे, माँ गायत्री हॉस्पिटल पहुँचे, वो फ़ायदा कहीं ना नतीजा कि यहाँ हम पहुँचे। डॉक्टर साहब, अंत में हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? गढ़वा के लोगों को यही संदेश दूंगा कि सवेरे खाएं, ये नहीं समझे कि मैं ले में हूँ, शहर में रहता हूँ। पहले एक ज़माने के हिसाब से चलिए कि लोग पहले 4:30 बजे भोरे उठ के खा पी के खेत जाते थे काम करने, तो कभी सुने कि वो लोग बीमार हुआ? लेकिन अभी लोग बीमार हो रहे हैं, क्यों? कि ज़्यादा खाएंगे तो मोटा हो जाएंगे। डॉक्टर भी बोलते हैं कि 2 रोटी सुबह खाना, 2 रोटी दोपहर, 2 रोटी रात, चावल नहीं खाना। तो जितना कम मोटा आदमी कम खाएगा उतना ज़्यादा उसको प्रॉब्लम होगा। खाना खाने से मोटा आदमी नहीं होता है, जब खा के वो 4-5 घंटा सो जाएगा तभी चर्बी बढ़ेगा, तभी वो मोटा होगा, इसलिए दोपहर में कभी खा के नहीं सोना चाहिए। चलिए, आप हमारे गढ़वा में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।